अज़ीज़ तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज हम एक छोटा सा तजुर्बा करते हैं। कागज़ का एक टुकड़ा लीजिए और इसे प्लेट में जलाइए, देखिए क्या होता है। प्लेट में कागज़ का टुकड़ा जलने के बाद हमें क्या हासिल हो रहा है, बताएगा कोई मुझे? प्लेट में हासिल होने वाली शय कौन सी है? प्लेट में जो हमें हासिल हो रहा है इसे हम राख कहते हैं ना, लेकिन राख को हम साइंसी ज़बान में क्या कहेंगे, क्या है ये? राख को हम साइंसी ज़बान में कहते हैं कार्बन। कार्बन जो है इसकी अलामत सी है और कार्बन का जोहरी अदद 6 है। इसका जोहरी वज़न 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तशकील 2.4 है, यानी पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे मदार में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से इसकी गिरफ्त 4 हुई। और कार्बन क्या है? कार्बन एक अधाती अंसर है। पिछली जमात में आप पढ़ चुके हैं धाते अधाते, धातनुमा किसे कहते हैं और अंसर किसे कहते हैं, कोई मुझे बताएगा कि अंसर क्या है, अंसर से क्या मुराद है, किसे कहते हैं अंसर? अंसर यानी वो मादी शय जिसे किसी भी कीमियाई तामुल के ज़रिए मज़ीद सादा अशिया में तकसीम नहीं किया जा सकता है, इसे हम अंसर कहते हैं। आया समझ में? यानी मादे की वो किस्म है जो प्योरली एक ही किस्म के जौहर से मिलकर बनी हुई है ना? यानी आज हम कार्बन एक अहम अंसर इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे।